हेलो टेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो। टेकीज विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, और अगर आपको कोई वेबसाइट पसंद है जिसका आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप उसको विंडोज 10 में एक ऐप में कन्वर्ट कर सकते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको बार बार ब्राउजर ओपन करने की कोई जरूरत नहीं, अब आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें गूगल क्रोम ब्राउजर या फिर हमें से माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर पर भी परफॉर्म कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट का ऐप कैसे क्रिएट कर सकते। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। जैसे सपोज मैं यहाँ डेली यूट्यूब विजिट करता हूँ तो मैं यहाँ यूट्यूब लिखूंगा, उस वेबसाइट में जाना है जो भी आपको मतलब ज्यादा यूज करते हैं जिसका आपको ऐप बनता है। मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर ये थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोर टूल्स आएगा, यहाँ मोर टूल्स में क्लिक करना है। देन यहाँ पर एक ये क्रिएट शॉर्टकट नाम का ऑप्शन है, आपको क्लिक कर देना है तो आपको आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आएगी। आपको यहाँ पर क्रिएट में दबा देना है। आपको क्रिएट में क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हम शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर यूट्यूब का, तो देखिए यूट्यूब का शॉर्टकट क्रिएट एक ऐप की तरह यूज ले सकते हैं। जस्ट शॉर्टकट क्रिएट करना ही विंडोज 10 में ऐप कहलाता है। तो यहाँ हम ऐप में क्लिक करेंगे तो देखिए ओपन हो रहा है, यहाँ ये डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो रहा है। अगर हम ये शॉर्टकट डिलीट भी कर देंगे तो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हम सर्च बार में यहाँ सर्च करें यूट्यूब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऐप कंसिडर कर रहा है। यहाँ पर यूट्यूब को डेस्कटॉप ऐप लिखा आ रहा है, इसे ये एक ऐप बन चुका है। आप शॉर्टकट डिलीट कर देंगे तो यहाँ से भी आप यूट्यूब सर्च करके आप यहाँ पर से ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आप गूगल क्रोम की मदद से आप ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।